राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार और आज चूरू ने यह बता दिया है कि 4 जून और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। साथियों बैठिए देवेंद्र जी, आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी तो इसका मन पर भी असर होता है और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था।
इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे, और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं, और हो सकता है देश वाले मान भी लेते। लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम ला करके दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए, जिनकी तीन तीन चार चार पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं बहनों बेटियों के नाम पर है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था, गरीब को पता भी नहीं चलता था, उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन भी
देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये तो आपका उत्साह है इसलिए। देखिए, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। और साथियों, 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो रात दिन दौड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है। लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं, देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस
ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त, आज वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया है।